किस बात का दुख है आप? ये तुम लोग क्यों सोचते हो, क्यों सोचते हो कि बाप जो है वो पत्थर का बना हुआ है? इसलिए कि वो रो नहीं सकता, इसलिए कि तुम समझते हो कि उसको दुख नहीं होता, उसको रोना नहीं आता, सिर्फ इसलिए कि वो चीख चीख कर धाड़ धाड़ कर रो नहीं सकता। हाँ, मां बिखर जाती है, बाप अपने आप को समेट लेता है, बर्दाश्त करता है, इसलिए दुनिया समझती है कि मां औलाद से ज्यादा प्यार करती है और बाप बाप प्यार नहीं करता। मैं जानती हूँ हालात ने आपको ऊपर से तो बहुत मजबूत कर दिया है, लेकिन अंदर से आप बहुत कमजोर हो गए, टूट गए हैं। माँ बाप कमजोर पड़ जाते हैं जब औलाद ताकतवर हो जाती है। रहमान, हम लोग अगर शावेज के यहाँ चले? हरगिज नहीं, इस बारे में सोचना भी ना। अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे ना, तो शावेज गलत नहीं था, हमने कभी उसकी उसकी बात सुनी नहीं, उसने तो शादी से पहले ही अपनी राय का इजहार कर दिया था, ये हम ही थे जिसने अपना फैसला उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया, जबरदस्ती, मजबूर था, बेबस था मेरा बच्चा, शायद ये शल उसकी किस्मत में थी ही नहीं। हाँ, शायद तुम अपनी जगह पे ठीक हो, माँ हो ना, लेकिन मैं उस औरत को बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार नहीं हूं। जब हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, फिलहाल हमें इस किस्से को भूल जाना चाहिए।